दोस्तों, माँ एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब हर भाषा और संस्कृति में आदर, हिम्मत और शक्ति का सिनोनिम्स होता है। दोस्तों, कहते हैं कि एक माँ डिलीवरी के दौरान जितना दर्द सहन करती है, उतना दर्द कोई भी मर्द पूरी जिंदगी में कभी भी सहन नहीं कर सकता। और दोस्तों, आज हम एनिमल्स मदर्स अपने बच्चे को कैसे और किस परिस्थिति में जन्म देती हैं, और तो और आज हम ये भी देखने वाले हैं कि वो खतरनाक जानवर बचपन में कैसे दिखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 1, कीवी बर्ड ऑफ बर्थ। दोस्तों, सबसे पहले हम अपनी शुरुआत करते हैं कीवी बर्ड से। ये पक्षी दिखने में काफी ज्यादा छोटी पक्षियों में से एक है, और इस प्रजाति के पक्षियों के लिए सबसे मुश्किल दौर प्रेगनेंसी में होती है, क्योंकि ये प्रजाति काफी बड़े बेबी को जन्म देती है। कीवी बर्ड का अंडा उनके शरीर के वजन का लगभग 20-25% होता है। साथ ही कीवी पक्षी के अंडे का वजन लगभग 450 ग्राम का होता है। अगर हम इस कीवी बर्ड का दर्द इंसानों के मुकाबले तुलना करें, तो इसका दर्द महसूस करने के लिए एक ह्यूमन मदर को एक 12 साल से लेकर 13 साल के बच्चे को जन्म देने के बराबर होगा। अब ये सब हम सोच सकते हैं कि ये कितना ज्यादा दर्दनाक पल रहा होगा इनके जीवन का। और इस पक्षी के प्रेगनेंसी के समय उन्हें अपने शरीर के औसत कैलोरी से लगभग 3 गुना ज्यादा कैलोरी की जरूरत पड़ती है, ताकि उनके शरीर में मौजूद अंडे का विकास हो सके। और हम आपको ये भी बता दें कि ये पक्षी अपने अंडे को देने वाली होती है, तब वो अंडे देने से 2 दिन पहले कुछ भी नहीं खाती, क्योंकि इनके शरीर का भार इतना ज्यादा हो जाता है कि ये हिल भी नहीं सकती। साथ ही कीवी पक्षी के शरीर में इतना सा भी जगह नहीं होता कि वो कुछ भी खा पाए। वो अपने अंडे को देने के लिए कई दिनों तक भूखी रहती है, साथ ही वो अपने जान तक का त्याग करती है। अब इस दुनिया में माँ से बड़ा और कोई नहीं होता है, इसका संदेश कीवी ने अच्छी प्रकार से समझा दिया है। नंबर 2, स्क्वेरल मंकी। दोस्तों, इस दुनिया में बंदर को इंसानों के साथ भी रहते हुए देखा जाता है, और बंदर इंसानों के साथ काफी ज्यादा फ्रैंक होते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका के जंगलों में पाए जाने वाले स्क्वेरल मंकी बंदरों की दूसरी प्रजातियों में से एक हैं, और ये ज्यादा जंगलों में ही पाए जाते हैं। अब हम आपको बता दें कि इस प्रजाति के मादा बंदरों को गर्भावस्था में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब ऐसा क्यों होता है, तो हम आपको बता दें कि स्क्वायरल मंकी बच्चों का सर मां के पेल्विस से काफी ज्यादा बड़ा होता है। अब ऐसे हालात में बच्चों को बाहर निकालना मां के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता है। अब इस प्रक्रिया में मादा बंदर के जेनेटिक्स हिस्सा काफी ज्यादा सूज जाता है, जिसके कारण उन्हें पेनफुल दर्द से गुजरना पड़ता है। नंबर 3, सूरीनेम टोड। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी जीव को अपने शरीर की त्वचा से अपने बच्चे को जन्म देते हुए देखा है? अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं, बस आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो हम आपको बता दें कि सूरीनेम टोड मेंढक एक ऐसा ही जीव है जो अपने त्वचा से बच्चों को जन्म देती है। आप जरा इस जीव के पीठ पर ध्यान से देखिए, इसके ऊपरी हिस्से में कितने सारे काले रंग के छेद हैं। और हम आपको बता दें कि सूरीनेम मेटिंग किसी हॉल के द्वारा अपने प्रजनन की प्रक्रिया को अंजाम देते हैं, और इस प्रजाति के मेटिंग के दौरान एक फर्टिलाइजर करके मेंढक की पीठ पर जाकर उन सभी अंडों को अंदर घुसा देता है, और उसके बाद वो इसकी होल में से ही विकसित होते हैं। वो इन्हीं होल के अंदर ये लावा से टेड मोल में बदलते हैं, और फिर कुछ ही दिनों के अंदर वो अपनी माँ की त्वचा से बाहर आ जाते हैं। अब एक ही साथ इतने सारे बच्चों को जन्म देने के बाद मादा मेंढक का जीवन भी ज्यादा देर तक नहीं चलता, और कभी कभी इसी के दौरान इन मादा मेंढक की मौत तक हो जाती है। अब ये चीज हमेशा ही नहीं होता, अंडे देने के बाद अपने आप को धीरे धीरे ये रिकवर भी करने लग जाती है, और एक समय ऐसा आता है कि ये पूरी तरह से धीरे धीरे स्वस्थ भी हो जाती है। नंबर 4, स्टेगोडी फस लिनियटिस। दोस्तों, जिस प्रकार कोई पक्षी अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढ कर लाती हैं और उसे चबा चबा कर अपने बच्चों का पालन पोषण करती हैं, उसी प्रकार ये वेल्बर स्पाइडर उन्हीं जीवों में से एक है। लेकिन इसमें थोड़े से बदलाव देखे गए हैं, क्योंकि जब वेल्बर स्पाइडर जब अपनी अंडों की थैलियों को बाहर निकालते हैं, तब कुछ समय बाद ही वो अंडे डीग्रेड होने लग जाते हैं। ऐसे में स्पाइडर के अंडे हैच होने लग जाते हैं, और फिर जब वो पूरी तरह से बाहर आ जाते हैं, तो उनके खाने की जिम्मेदारी भी पूरी तरह से माँ के ऊपर आ जाती है। अब वो इतने सारे स्पाइडर के बच्चों को जन्म देने के बाद कहीं पर ही भोजन के लिए नहीं जा सकती, इसीलिए ये मादा स्पाइडर खुद की ही बलि दे देती है, और वो बच्चे अपने माँ को ही खाना शुरू कर देते हैं, और मादा स्पाइडर उन्हें ऐसा करने के लिए पूरी तरह से अधिकार देती है, ताकि इनकी जाति जीवित रह सके। और ये बच्चे 2 हफ्तों तक माता के शरीर से निकाले गए ट्रांसपेरेंट पदार्थ पर ही जीवित रहते हैं, जो स्पाइडर खुद अपने बच्चों को चबा कर देती है। और इसीलिए ये कहा जाता है कि इस मादा स्पाइडर को मां बनने के लिए एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है, जो कीमत उसकी मौत से होकर गुजरती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। और दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? साथ ही अगर आप भी अपने माँ से काफी ज्यादा प्यार करते हैं, तो आप हमें यस, और अगर नहीं करते तो नो लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा।